नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। बॉलीवुड की क्वीन और अपने तीखे सवालों और बेबाक राय को लेकर चर्चा में रहने वाली कंगना सुशांत सिंह मामले में भी शुरुआत से ही अपना पक्ष रखती नजर आई हैं। नेपोटिज्म के बाद मुंबई की तुलना पीओके वाले बयान के बाद वो फिर से चर्चा में है। कंगना के बयानों के बाद अब कंगना का शानदार ऑफिस भी खबरों में है। तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि कैसा है कंगना का वो ऑफिस और क्यों इसे इतना शानदार कहा जा रहा है, क्या कुछ है इसकी खासियत में, देखिए रिपोर्ट। कंगना रनौत फिल्मों के साथ साथ अपने बयानों से भी चर्चा में रहती हैं। वो बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। कम समय में ही उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली है। अभिनय के अलावा कंगना को निर्देशन में भी रुचि है। यही वजह है कि उन्होंने खुद का एक अपना ऑफिस बना रखा है। इसका नाम उन्होंने अपनी फिल्म मणिकर्णिका के नाम पर रखा। मुंबई के पाली हिल स्थित बंगलो नंबर 5 को पूरी तरह रिकंस्ट्रक्ट करवाकर कंगना ने ऑफिस बनाया। इसे सेलिब्रिटी डिजाइनर शबनम गुप्ता ने बनाया है। कंगना का ये ऑफिस यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है। अगर उनके ऑफिस की बात करें तो यह पूरी तरह प्लास्टिक फ्री बनाया गया है। साथ ही स्टूडियो में कस्टमाइज और हैंडमेड फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। वुडन फ्लोर और टेक्सचर्ड वॉल के जरिए ऑफिस को एथनिक लुक दिया गया है। कंगना नेचर लवर मानी जाती हैं और इसकी झलक उनके स्टूडियो में भी नजर आती है। उनके स्टूडियो में कई पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं। साथ ही यहां पढ़ने के लिए भी खास जगह बनाई गई है। स्टूडियो की कीमत 48 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ साल पहले कंगना ने इस बिल्डिंग को खरीदा था। कंगना ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर से ऑफिस का वीडियो शेयर किया। दरअसल कंगना का यह ड्रीम प्रोजेक्ट अचानक सुर्खियों में आ गया क्योंकि यहां बीएमसी ने छापा मारा है। बीएमसी देखना चाहती है कि कहीं ये अवैध निर्माण तो नहीं। बीते कुछ दिनों से कंगना रनौत और शिवसेना प्रमुख संजय राउत के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में कंगना लगातार ये कहती नजर आ रही है कि शिवसेना पर निशाना साधने के चलते उनके ऑफिस पर छापा पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।